चुनाव के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस मामले में 1998 में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में लालू यादव के पिता का नाम गलत था, जिसकी वजह से उन्हें फरार घोषित कर दिया गया था। बाद में ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में आ गया। दरअसल 1995 से 1997 के बीच फर्जी अवैध फॉर्म 16 के तहत हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था। ये फॉर्म आम डीलर्स के लिए जारी किए जाते हैं। मामले में लालू यादव समेत 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लालू यादव को अदालत में पेश न होने के लिए समन जारी किया गया है।